आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको एक आज प्रेस वार्ता के लिए बुलाया है, और हमारा जो प्रेस वार्ता का मुद्दा ये है कि आपको जैसे पता है कि 27/5/2023 को जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें उन्होंने एज रिलैक्सेशन देने का काम किया था हमारे स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, जो जम्मू कश्मीर के जितने भी मेधावी छात्र हैं उनको अलग अलग परीक्षाओं के लिए जो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दी थी। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी एज रिलैक्सेशन थी, पहले 32 से बढ़ा के 35 की गई, उसके बाद जो जनरल कैटेगरी की 35 की गई, रिजर्व कैटेगरी की 37 की गई, और जो फिजिकली चैलेंज हमारे एस्पिरेंट्स थे उनको 38 साल तक की जो है छूट दी गई। और उसके बाद जो था कि आपको ऐसे पता कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो फॉर्म लग रहे थे वो 25 तारीख तक लग रहे थे, जिसकी एडिट करने की डेट थी 30 तारीख तक। जिस 27 तारीख को जब ये ऑर्डर निकला GAD का, तो उसके पास उन छात्रों को ये उम्मीद जगी कि शायद अब जो है उनको भी मौका दिया जाएगा KS के एग्ज़ाम में जो अपेयर होने के लिए। हमने भी जो अपने लेवल पे छानबीन की तो ये पता चला कि हाँ ये होने वाला है, लेकिन आज 2 तारीख हो गई लेकिन वहाँ से कोई JKPSC की तरफ से कोई भी रिलीफ देने का काम नहीं किया गया। तो हमारी जो जो मांग है कि हम लोग चाहते हैं कि JKPSC को ये सोचना चाहिए, JKPSC के छात्रों के लिए ये सोचना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है, जिनको आपने एज रिलैक्सेशन तो दे दी लेकिन जब अगर उनको इस साल अपीयर होने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ये तो उनके साथ बेईमानी होगी उनको एज रिलैक्सेशन देने का, और जो उनको 1 साल का या 2 साल का फर्क पड़ेगा तो वो तो उनका फिर भी उनका अटैम्प्ट वेस्ट होगा। इसलिए हमारी ये मांग है जो 23 तारीख को KS का प्रिलिमिनरी जो डेट दी है उन्होंने कि जो एग्ज़ाम होगा, हम उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हमें मजबूर होकर कोर्ट का दरवाज़ा खटकाना पड़े या हमें बाहर जाके प्रदर्शन करने पड़े। हम बड़े सलीके से हम डिसिप्लिन वे में एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, NSUI जम्मू कश्मीर ये रिक्वेस्ट करती है JKPSC को और LG एडमिनिस्ट्रेशन को कि उन स्टूडेंट्स को जिनका आपने एज रिलैक्सेशन दी है उनको भी आप उस JKKS के एग्ज़ाम में अपीयर होने का एक मौका दीजिए। हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम आप 1 हफ्ते के लिए डेट एक्सटेंड कर दें, ताकि जो आपका रोस्टर है उसमें कोई खलल ना पड़े, और जो छात्र जो वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भी अपना एग्ज़ाम दे सके, और उनको भी जो रिलीफ आपने दिया है वो उनको अच्छे तरीके से उसका फ़ायदा मिले।